नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भैया पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में। दोस्तों ये एक सजेस्टेड वीडियो एक हमारे सब्सक्राइबर है जो कि हमें काफी टाइम पहले से यहां पे कर रहे हैं कमेंट के सर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी आप कह सकते हैं इसको, या फिर पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट भी आप इसको कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज आप बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, क्योंकि ये स्कीम एक ही है। या दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी के बारे में, जहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा भैया 1 लाख रुपए अगर आप इसमें जमा कराएंगे तो कितने की मैच्योरिटी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए का भी बताऊंगा मैं आपको, अगर आप इसके अंदर जमा कराते हो तो कितने का इंटरेस्ट और कितने की मैच्योरिटी आपको मिलेगी। साथ ही हम इसके अंदर कवर करेंगे कि किस प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए और किस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस की एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों बात करता हूं पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में। यहां पे मैं दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहता हूं। इस एफडी की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन दोस्तों 5 साल की है। अब ड्यूरेशन 5 साल की है, लेकिन आपका पैसा 5 साल के बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वहां पे ड्यूरेशन खत्म होने से पहले अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म नहीं करते कि 5 साल के अंदर मुझे अपने पैसे को निकालना है, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो 5 से 5 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी मैच्योरिटी के साथ ही। तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन आपको कितनी रखनी है, क्या आप इसको 5 साल के लिए रखना चाहते हैं या फिर आप इसको 10 सालों के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं। दोस्तों टोटल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब भैया दोस्तों बात निकल के आते हैं इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों मिलेगा आपको, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.25% से लेकर के 7.7 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। रीजन मैं बता देता हूँ, 1 साल के लिए जाएंगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए जाएंगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैक्सिमम 5 सालों के लिए आप करेंगे तो 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आप इसको ओपन नहीं कर सकते, करना चाहेंगे तो डायरेक्टली आप इसको फिर 5 साल के लिए कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब दोस्तों जैसे कि दूसरी स्कीम्स के अंदर एक लिमिट है कितना पैसा आपको जमा कराना है, यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे मिनिमम आप 1000 रूपये और 100 रूपीज के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप जमा करा सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों इसके साथ में नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, साथ के साथ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। अगर बिजनेस के चलते, जॉब के चलते एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब भैया यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने कैलकुलेट करके एक पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है, जैसा कि अभी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। लेट सपोज दोस्तों अगर आप यहाँ पे 1 लाख रूपये जमा करा देते हैं फिक्स डिपोजिट के अंदर, तो जिसके अंदर जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 39,626 रूपये का, और जो टोटल मैच्योरिटी आपकी मिलेगी वो मिलेगी 1,39,626 रूपये की। अगर आप इसको 1 लाख रूपये महीना जमा कराते हैं, और ये ड्यूरेशन मैंने 5 साल की कैलकुलेट करी है, 5 साल से ही आप कैलकुलेट कीजिएगा, अदरवाइज तो जो फिगर है वो आगे पीछे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक जो पैसा देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, वो टोटल मैच्योरिटी 1,39,626 रूपये की देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर 2 लाख रूपये जमा कराते हैं तो 79,252 रूपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। टोटल मैच्योरिटी जो आपकी हो जाएगी 2,79,252 मैच्योरिटी आपकी हो जाएगी 5 साल के अंदर। भैया अगर आप यहां पे कराते हैं 3 लाख रूपये जमा, तो यहां पे जो टोटल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है वो मिलेगा 1,18,878 रूपीज का, और जो टोटल मैच्योरिटी आपकी हो जाएगी 4,18,878 रूपये की, जो कि होगी पूरे पूरे 5 साल के अंदर। और दोस्तों अगर आप यहां पे जमा कराते हैं 5 लाख रूपये, तो 5 लाख रूपये में 1,98,000 और साथ में 130 रूपये की आपकी टोटल हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके ऊपर जो टोटल मैच्योरिटी आपको मिलेगी 6,98,130 रूपये की देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया,
और वहां से आप जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करी है तो 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में जमा कराने के लिए। नहीं, आप 50,000 भी, 10,000 भी, अगर आपके पास 20,000 है तो उसको भी जमा करा सकते हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी अमाउंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।